हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल। एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की सीरीज में हम बात करेंगे सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि वन लाइनर क्वेश्चन होगा और सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। इस सीरीज में हम बात करेंगे जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को, जो इस सीरीज का 15वां लेक्चर है। तो आप फर्स्ट लेक्चर से वीडियो को ज़रूर देखें तो सारी चीज़ें आपको जो है क्लियर हो जाएगा, सारी चीज़ें एक क्रम से मिलेगा, एक सिक्वेंस में मिलेगा। तो प्लीज़ आप इस एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियो हम आपके लिए अपलोड करें आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। आज के क्वेश्चनों की हम बात करेंगे तो आवृत्त बीजी का अर्थ क्या है, इसका आंसर आपको देना है। और किस कुल को सब्जी कुल भी कहा जाता है, वेलोडोना किससे प्राप्त होती है, और लौंग के तेल का प्रमुख घटक कौन सा है, मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किस अन्य भाग से विकसित होने वाली जड़ों को क्या कहते हैं, मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी अन्य भाग से विकसित होने वाली जड़ों को क्या कहते हैं। अब इन पांचों क्वेश्चनों के आंसर की बात करेंगे हम लोग। तो आवृत्त बीजी का अर्थ क्या है, तो ये है ढका हुआ बीज, यानी कि आवृत्त बीजी का मतलब क्या होता है, तो ये है ढका हुआ बीज को हम कहते हैं आवृत्त बीजी। किस कुल को सब्जी कुल कहा जाता है, तो कुकुरबिटेसी कुल को जो है सब्जी, कुकुरबिटेसी कुल को जो है हम क्या कहते हैं, सब्जी कुल कहते हैं। वेलोडोना किससे प्राप्त होता है, तो वेलोडोना जो है एट्रोपा वेलाडोना से प्राप्त होता है, वेलोडोना जो है एट्रोपा वेलाडोना से प्राप्त होता है। लौंग के तेल का प्रमुख घटक कौन सा है, तो लौंग के तेल का प्रमुख घटक है यूरेनॉल, यूरेनॉल जो है लौंग के तेल का प्रमुख घटक है। मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी अन्य भाग से विकसित होने वाली जड़ों को क्या कहते हैं, तो मूलांकुर के अलावा पौधे के किसी अन्य भाग से विकसित होने वाली जड़ों को हम कहते हैं अपस्थानिक जड़। अपस्थानिक जड़ जो है मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी अन्य भाग से विकसित होने वाली जड़ों को कहते हैं। तो यह है इन प्रश्नों का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, शकरकंद में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती है, और मणिकामय जड़ें किस में पाई जाती है, जलकुंभी में किस प्रकार की जड़ पाई जाती है, और बीजों के प्रकीर्णन की सेंसर विधि किस में पाई जाती है, अलसी किसका प्रचुर स्रोत है। अब इन पांचों क्वेश्चनों के आंसर की बात करेंगे हम लोग। तो शकरकंद में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कंदिल जड़ें जो है शकरकंद में पाई जाती है, यानी कि शकरकंद की जड़ों में जो है हम कंदिल जड़ें पाई पाते हैं। मणिकामय जड़ें किस में पाई जाती है, तो मणिकामय जड़ें जो है अंगूर में पाई जाती है। जलकुंभी में किस प्रकार की जड़ पाई जाती है, तो जलकुंभी में भूस्तारिका जड़ें पाई जाती है। बीजों के प्रकीर्णन में की सेंसर विधि किस में पाई जाती है, तो बीजों के प्रकीर्णन की सेंसर विधि जो है कपास में पाई जाती है। अलसी किसका प्रचुर स्रोत है, तो अलसी जो है एमिनो एसिड का प्रचुर स्रोत है। तो ये है इन प्रश्नों का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सेप्रोफाइट्स पौधे किस विशेष वर्ग के हैं, पादप शरीर क्रिया विज्ञान के जनक क्या है, पौधों की संरचना एवं कार्य की इकाई क्या है, और परासरण क्या है। अब इन चारों क्वेश्चनों के आंसर की बात करेंगे हम लोग। तो सेप्रोफाइट्स पौधे किस विशेष वर्ग के हैं, तो ये हैं हेटरोट्रॉप्स वर्ग के हैं। सेप्रोफाइट्स पौधे जो है हेटरोट्रॉप्स के वर्ग के हैं। पादप शरीर क्रिया विज्ञान के जनक क्या है, तो ये है स्टीफन हेल्स जो है पादप शरीर क्रिया विज्ञान के जनक है। पादप शरीर क्रिया विज्ञान के जनक कौन है, तो ये है स्टीफन हेल्स। पौधे की संरचना एवं कार्य की इकाई क्या है, तो पौधे की संरचना एवं कार्य की इकाई है कोशिका। परासरण क्या है, तो ये है अर्ध पारगम्य कला में होकर कम से अधिक सांद्रता की ओर विलायक जल का प्रवाह जो है अर्ध पारगम्य कला में होकर कम से अधिक सांद्रता की ओर विलायक जल का प्रवाह है, परासरण कहलाता है। तो ये था इन क्वेश्चनों का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड़ क्यों जाती है, और यदि एक कोशिका आकार में न्यूनीकृत होती है, यानी छोटी सी होती है जब यह एक विलयन में रख दी जाती है, तो ऐसा विलयन क्या होता है। एक कोशिका आयतन में बढ़ती है जब यह किस में रखी जाती है, और जल में रखे जाने पर बीज क्यों फूलते हैं। अब इन चारों क्वेश्चनों के आंसर की बात करेंगे हम लोग। तो अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड़ क्यों जाती है, इसका कारण है बाह्य परासरण द्वारा जल बाहर निकलने के कारण।
यदि कोई एक कोशिका आकार में न्यूनीकृत होती है जब यह एक विलयन में रख दी जाती है तो ऐसा विलयन क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हाइपरटोनिक विलयन होता है। ऐसा विलयन जो है हाइपरटोनिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कोशिका आयतन में बढ़ती है, एक कोशिका आयतन में बढ़ती है जब यह किस में रखी जाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एक अल्प पराशरी विलयन में रखी जाती है जब कोशिका का आयतन जो है बढ़ जाता है, तो इसे रखते हैं एक अल्प पराशरी विलयन में। जल में रखे जाने पर बीज क्यों फूलते हैं? तो जल में रखे जाने पर बीज जो है अंतः शोषण के कारण फूलते हैं। जल में रखे जाने पर बीज जो है अंतः शोषण के कारण क्या होते हैं? फूलने लगते हैं। तो ये है इन प्रश्नों का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि लकड़ी के बने दरवाजे वर्षा ऋतु में क्यों फूल जाते हैं? उर्वरकों का अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग पौधों की मृत्यु का कारण क्यों बनता है? और पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधे के विकास तथा वृद्धि के लिए अनिवार्य तत्वों की संख्या क्या है? पौधे के विकास तथा वृद्धि के लिए अनिवार्य तत्वों की संख्या क्या है? अब इन क्वेश्चनों के आंसर की बात करेंगे तो लकड़ी के बने दरवाजे वर्षा ऋतु में क्यों फूल जाते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अंतः शोषण के कारण जो है लकड़ी के बने दरवाजे वर्षा ऋतु में फूल जाते हैं। उर्वरकों का अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग पौधों की मृत्यु का कारण क्यों बनता है? इसका कारण है बाह्य प्रसरण के कारण जो है उर्वरकों का अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग मृत्यु के कारण बनता है, बाह्य प्रसरण के कारण। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो पौधों में जल का परिवहन जो है जाइलम के द्वारा होता है। पौधों के विकास तथा वृद्धि के लिए अनिवार्य तत्वों की संख्या कितनी है? तो पौधों के विकास तथा वृद्धि के लिए अनिवार्य तत्वों की संख्या है 17, जो पहले से 16 था। पहले 16 था, अब हो गया है 17। पौधों के विकास तथा वृद्धि के लिए अनिवार्य तत्वों की संख्या 17 आज के डेट में है, लेकिन पहले 16 ही था, 16 ही था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। धान का खैरा रोग या लघुपत रोग किस तत्व की कमी से होता है? फूलगोभी का विटेल रोग किस तत्व की कमी से होता है? और पत्तियों में हरिमहीनता किसकी कमी से होता है? पौधे के वायवीय भागों में वाष्प के रूप में जल हानि को क्या कहते हैं? और वाष्पोत्सर्जन कहाँ से होता है? अब इन क्वेश्चनों के आंसर की बात करेंगे हम लोग। तो धान का खैरा रोग या लघुपत रोग किस तत्व की कमी से होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जस्ते की कमी से जो है धान का खैरा रोग या लघुपत रोग होता है। फूलगोभी का विटेल रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो फूल गोभी का विटेल रोग जो है किस तत्व की कमी से होता है? तो यह इसका आंसर। पत्तियों में हरिमहीनता किसकी कमी से होता है? तो यह होता है मैग्नीशियम की कमी के कारण जो है पत्तियों में हरिमहीनता किसकी कमी के कारण होता है? मैग्नीशियम के कारण होता है। पौधों के वायवीय भागों में वाष्प के रूप में जल हानि को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं हम वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन हम क्या कहते हैं? पौधों के वायवीय भागों में वाष्प के रूप में जल हानि को हम कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन कहाँ से होता है? तो ये होता है सभी वायवीय भागों में जो है सभी वायवीय भागों से जो है वाष्पोत्सर्जन होता है। तो ये था इन प्रश्नों का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किसमें होती है और प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम किसमें होती है? अब इन क्वेश्चनों के आंसर की बात करेंगे हम लोग। तो वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है? तो ये होता है कि पत्तियों से पानी वाष्प के रूप में निकलने लगता है, यही कहलाता है आपका वाष्पोत्सर्जन। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या होता है? तो ये होता है सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल का उत्तेजन। सूर्य के प्रकाश से जो है क्लोरोफिल क्या हो जाता है? उत्तेजित हो जाता है, यही प्रकाश संश्लेषण का प्रथम चरण होता है। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किसमें होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की दर जो है लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम किसमें होती है? तो ये हरे रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर जो है सबसे कम होती है। तो ये है इन प्रश्नों का आंसर। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के पास इसे शेयर भी करें, और जो भी आपको सुझाव देना आप कमेंट के माध्यम से हमें अपनी सुझाव दे सकते हैं। तो प्लीज़ आप यदि अभी तक जो है इस एग्ज़ाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो हम आपके लिए अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल दी बेस्ट।